शांति। 13/5/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। प्रश्न, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? उत्तर, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी उस समय सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप के मददगार बने बाप उन्हें मदद करेंगे। प्रश्न, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? उत्तर, शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो यह हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इसलिए तुम बच्चे सम्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो, इसका यादगार रुंड माला में मुखड़ा दिखाते हैं। गीत कितना मीठा कितना प्यारा। ओम शांति। बेहद का बाप कहते हैं, मैं एक ही बार 5000 वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। बाप को अपना मुखड़ा तो है नहीं, शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं, तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। तब कहते हैं बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है, उनमें मुखड़ा दिखलाते हैं। रुंडमाला बनाई जाती है तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखेंगे। यह कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं तो यह उनका मुख हो गया ना। इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ने यह मुखड़ा किराए पर लोन लिया है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फायदा होता है। पहले पहले इनके कान सुनते हैं, भल फट से तुम सुनते हो परंतु तो भी सबसे नजदीक इनके कान है। तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है ना, आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा फर्क रहता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो सम्मुख मुखड़ा देखने, यह है वंडरफुल मुखड़ा। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा जो निराकार है वह यहाँ आकर प्रवेश करते हैं, तो उनका भी यह भारत देश हुआ। भारत है अविनाशी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्यों सदृश नहीं है। स्वयं कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, और सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं है। शिव का हमेशा लिंग रूप दिखाएंगे। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं, शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि वह बाप हैं वह बच्चे हैं। पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं, समझते भी हैं वह शिव हैं वह शालिग्राम है। ऐसे तो नहीं कहते सभी शिव ही शिव हैं, नहीं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। यह सब बच्चे हैं उनके साथ। बाबा ने समझाया है इन शालिग्रामों की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना, तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हो। शिव बाबा की श्रीमत शालिग्राम ले रहे हैं, यह भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। रुद्र शिव बाबा का, शिव बाबा बोलते हैं शालिग्राम भी बोलते हैं, यह अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। मनुष्य को नर से नारायण बनाते हैं, सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई ना। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है। उनमें कितना नॉलेज है, कितना पाठ भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। शरीर कितना बड़ा है, शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन से ही पाठ बजाने लग पड़ती है। अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो जड़ है, उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है उनके बाद गर्भ में सजाएं खाने लगती है,
सजाएं भी कैसे खाती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर। जिस जिस को जिस रूप से दुख दिया है तो वह साक्षात्कार करते जाते हैं, दंड मिलता जाता है, त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है, कितना पार्ट बजाते हैं। आत्मा अंजाम वायदा करती है, मैं कभी पाप नहीं करूंगी। इतनी छोटी आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट बजाकर फिर रिपीट करते हैं, वंडर है ना। यह बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं, यह तो यथार्थ बात है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट है। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता है। गाते भी हैं, आत्मा स्टार है जो इस भ्रगुटी के बीच में रहती है, कितना पार्ट बजाती है। इसको कहा जाता है कुदरत। तुम तो जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, कितना पार्ट बजाते हैं। हमको बाबा आकर समझाते हैं कितनी ऊंच नॉलेज है। दुनिया में कोई को यह नॉलेज नहीं है। यह भी तो मनुष्य था ना, इनमें अब बाप ने प्रवेश किया। ऐसे नहीं कि गुरु गोसाई का चेला होगा, उससे रिद्धि सिद्धि सीखे हैं। कोई कोई समझते हैं गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति मिली हुई है। यह तो बातें ही न्यारी है। सम्मुख सुनने से तुमको बहुत मजा आता है। जानते हो हमको बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाबा भी इतना छोटा है जितना हम आत्मा छोटी हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। परम माना सुप्रीम, परे ते परे परम धाम में रहने वाले। परे ते परे तुम बच्चे भी रहते हो। बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं। शुरुआत में थोड़े ही समझाते थे, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नॉलेज मिलती रहती है। कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान। वह आकर कहते हैं बच्चे आत्मा कैसे ऑर्गन्स द्वारा बात करती है। कहते भी हैं वो भ्रगुटी के बीच चमकती है, परंतु सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। किसकी बुद्धि में नहीं आता है, किसको यह नॉलेज है नहीं जो समझावे। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत कम समझते हैं। जो समझते हैं वह अच्छी रीति फिर धारण करते हैं और फिर धारण कराते हैं, अर्थात वर्णन करते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हो तो पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना, स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, उन्हों को जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया? क्या सतयुग में दिया? जरूर पास्ट के कर्म हैं। अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ऐसे बन सकते हो। जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको यह नॉलेज सुनाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, कितना घोर अंधियारा हो गया है। कोई भी बाप को जानते नहीं जिससे रोशनी मिले। कहते हैं हम एक्टर्स पार्ट बजाने आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम कौन हैं, हमारा बाबा कौन है, कुछ भी पता नहीं। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते। गाया भी हुआ है अहल्याएं कुब्जाएं गड़िकाएं जो हैं उनको आकर पढ़ाते हैं। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, परंतु उनकी तकदीर में है नहीं। बाप है ही गरीब निवास। 100 में से मुश्किल कोई एक साहूकार निकलेगा। 100 भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कोई विरला ही करते हैं। तुम हो गरीब, माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़े ही रहते हैं। कन्याओं के पास कहाँ से आए, वह तो फिर भी हाफ पार्टनर है। कन्या को तो कुछ भी मिलता नहीं है, वह वहाँ चली जाती है, हाफ पार्टनर बनती है, वर्षा नहीं ले सकती है। बच्चे तो फुल मालिक होते हैं, तो ऐसी कन्याओं को ही पहले पहले बाप अपना बनाते हैं। एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ है, गरीब हैं, पवित्र हैं, इनकी ही पूजा होती है। हैं सारी इस समय की बातें। इस समय तुम्हारी एक्ट चलती है जो फिर पूजी जाती है। शिव जयंती बिगर कृष्ण जयंती हो ना सके।
तुम जानते हो शिव जयंती, फिर कृष्ण की, राम की जयंती। शिव जयंती से जगत अम्बा, जगत पिता का भी जन्म होता है, तो जरूर जगत का ही वर्षा मिलेगा। सारे जगत का मालिक तुम बनते हो, जगत माता है जगत की मालिक। जगत अम्बा का बहुत मेला लगता है, ब्रह्मा को इतना नहीं पूछते हैं, तो बाप माताओं को आगे रखते हैं। शिव शक्तियां माताओं को सबने ठोकरें मारी हैं, खास पतियों ने, यह तो पतियों का पति है। कन्याओं को समझाते हैं, यह जगत अम्बा की बच्चियां, मास्टर जगत अम्बा हुई ना, यह बच्चियां भी माँ जैसे कार्य कर रही हैं। मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी हो, मेल फीमेल दोनों हैं, प्रवृत्ति मार्ग है ना, मेजॉरिटी माताओं की है, नाम भी इन्हों का बाला है, ब्रह्मा का इतना बाला नहीं है। सार सिद्ध ब्राह्मण ब्रह्मा को पूजते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सार सिद्ध और पुष्करणी। शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं, यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, कैसे यह चक्र फिरता है, कैसे मैं आता हूँ। वायदा तो है ना कि मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद ज्ञान सुनाऊंगा। गीत में भी है ना, जो पास्ट हो जाता है वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। यह तो अनादि ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता, इनका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, चलता ही आता है। बाप आकर समझाते हैं यह ड्रामा कैसे चलता है। 84 जन्म तुमको ही भोगना पड़ता है, तुम ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय आदि वर्ण में आते हो। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया है, ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण ही यज्ञ संभालते हैं, पतित तो यज्ञ की संभाल कर ना सके। यज्ञ जब रचते हैं तो विकार में नहीं जाते, यात्रा पर भी विकार में नहीं जाते हैं। तुम तो रूहानी यात्रा पर हो तो विकार में जा नहीं सकते हो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, तुम बच्चों को ले जाने, मच्छरों सदृश ले जाऊंगा, वहाँ हम आत्माएं रहती हैं, वह है परम धाम जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। फिर हम आते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, अभी फिर ब्राह्मण बने हैं। जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा, वहां भी झूलों में झूलते हैं ना, वहां तो तुम रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा श्रृंगारते हैं, उनके साथ सबका प्यार है, गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। अभी तुम प्रैक्टिकल में वहां चलने के लिए तैयार हो रहे हो। जानते हो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी तुम ईश्वरीय पुरी में चलते हो। जानते हो बाबा सबको कैसे ले जाते हैं, मक्खन से बाल। बाप तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, कैसे सहज बादशाही देते हैं। बाप कहते हैं जहाँ चलना है उस अपनी कृष्णपुरी को याद करो। पहले पहले जरूर बाबा तुमको घर ले जाएगा, फिर वहां से भेज देंगे स्वर्ग में। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हो वाया शांति धाम, जैसे वाया दिल्ली जाना होता है। अब समझते हो वापस जाते हैं फिर आएंगे कृष्णपुरी में। हम श्रीमद पर चल रहे हैं तो बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं, पवित्रता जरूर चाहिए। बाप फिर बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा, पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। यह स्कूल है बहुत बड़ा, तो जरूर पढ़ना चाहिए, भगवान खुद पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है, यह बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख खजाने से झोली भर सकते हो, जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा, बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है। बहुत हैं जिनको छुट्टी भी मिलती है, बाबा कहते हैं पूरा रिफ्रेश हो जाओ,
बाहर जाने से फिर वह नशा नहीं रहता है। बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से भी नशा चढ़ जाता है। बड़ी आफतें आनी हैं, मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे, अच्छी रीति सर्विस करेंगे तो उनको अंत में सहायता भी तो मिलनी है, मिलती है ना, तो उनको अंत में सहायता भी तो मिलती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है। दूसरा, यह पढ़ाई का समय है, यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो विघ्न नहीं डालना है। वरदान भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़फते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नयनों में समाए हुए हो। इसको कहा जाता है खुश नसीब। भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है, तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि यूं